एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। हर माह में एकादशी के दो व्रत होते हैं। एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। यह इस साल की पहली एकादशी होगी। आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी और इस दिन किस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु हो सकते हैं प्रसन्न। सफला एकादशी की तिथि पंचांग के अनुसार, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 7 जनवरी को दिन में 12:41 पर शुरू होगी और 8 जनवरी को 12:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त और योग, 7 जनवरी को सुबह 7:15 से रात 10:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। भगवान विष्णु की पूजा इस योग में करना शुभ होगा। व्रत का पारण 8 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:20 के बीच किया जा सकता है। इस मंत्र का करें जाप। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। लगाएं यह भोग। सफला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें। पूजा में हल्दी, चंदन, दीप, धूप का उपयोग करें। प्रसाद में तुलसी की पत्तियां चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है और प्रभु को दूध से बनी खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। सफला एकादशी का महत्व। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन के दुखों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनचाही मनोकामना पूरी होती है। मान्यता अनुसार व्रत के दिन सफला एकादशी की कथा सुनने से पूजा सफल होती है। सफला एकादशी पूजा विधि। इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करें। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारण किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।